ज्योतिष आचार्य जी, गणेश चतुर्थी के दिन भूलकर भी किन चीजों का दर्शन नहीं करना चाहिए ताकि दर्शन करने से जीवन उलझन में पड़ सकती है? हर हर महादेव, जय बाबा विद्यनाथ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष के चतुर्थी तिथि को गणेश जी की विशेष पूजा होती है, जिसे हम गणेश चोट चंदा भी कहते हैं। तो उस दिन यह मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए। यदि उस दिन आप चंद्रमा का दर्शन करते हैं तो आपके ऊपर झूठा कलंक लग सकता है, और लगा भी है, झूठा कलंक लगेगा ही। भगवान कृष्ण ने एक बार गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कर लिया था, चंद्रमा को देख लिया था, तो उनके ऊपर भी कलंक लगा। वो श्रीमद् भागवत की कथा है, पुराण की कथा है, कि सत्राजीत और प्रसेनजीत दो भाई थे जिनके पास स्यमंतक मणि था। वह मणि को प्राप्त करने के लिए ही, स्यमंतक मणि जो था, उसकी कथा थोड़ी विस्तार से है, लेकिन उस मणि का झूठा आरोप भगवान कृष्ण के ऊपर लगा था। उस कलंक को धोने के लिए भगवान कृष्ण को जंगल में वह स्यमंतक मणि प्राप्त करने के लिए जामवंत से युद्ध करना पड़ा, लड़ाई करना पड़ा, और जामवंत से लड़ाई करके स्यमंतक मणि को प्राप्त कर, और जामवंत की जो पुत्री थी जाम्बवती का विवाह भी भगवान कृष्ण के साथ हुआ था। वह मणि को लाकर के जब प्रसेनजीत को सौंपा गया तो सत्राजीत की कन्या जो सत्यभामा थी, उनकी पुत्री, वही स्यमंतक मणि और सत्यभामा भी भगवान कृष्ण को अर्पण हुआ, अर्पण करना पड़ा। इसलिए यह पौराणिक कथा के आधार पर ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन कदापि न करें।